ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो आईटीआई को सब्जेक्ट है उनका मॉड्यूल नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। मॉड्यूल का नाम है मास वेट वॉल्यूम एंड डेंसिटी, मतलब ये चारों चैप्टर मिला के एक मॉड्यूल बनाया जो मॉड्यूल नंबर 4 में डाला है। ये सभी के लिए कॉमन है, जितने भी फर्स्ट ईयर के ट्रेड है वो सभी के लिए क्या ये कॉमन है, मतलब सभी के लिए उपयुक्त है। जो भी आपका ट्रेड है आप देख सकते हो इसे, ठीक है। तो बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ, टाइम ना गंवाते हुए। देखो, हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते कि जब भी हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं तो हमारा लेक्चर सुनना है, ठीक है। तो चलता बढ़ते हैं हमारी पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि वॉट इज टर्म, मतलब पूरे पूछा है कि क्या कहते हैं अगर मैटर कंटेन इन ए बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर जो मैटर होता है उसे क्या कहते हैं, भाई इंग्लिश में हिंदी में क्या कहेंगे, पदार्थ की मात्रा क्या है, मतलब उसे क्या कहेंगे कि एक आधी वस्तु है और उसका पदार्थ का एक मात्रा है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता क्योंकि टाइम कम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पॉसिबल है उतना हम कर देंगे, ठीक है। देखिए, मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम। अभी पहला है कि मास, एक एक मैं समझा देता शॉर्टकट में फटाफट। देखो, मास मतलब क्या कि जो भी वस्तु होती है उसका वजन बोल सकते, वेट बोल सकते एक तरह का। तो जैसे यहाँ पे बोला है वाटर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये देखो ये भी एक ग्राम है, एक ग्राम है, एक ग्राम है, इसको क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, मतलब वो पदार्थ की मात्रा कितना उसमें भरा है, ठीक है। उसके बाद अभी वर्ड आता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन। आपने इसके पहले पढ़े होंगे, तभी भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है। देखो, सबका वजन अभी 1 ग्राम है, अभी एग्जांपल के लिए आप 3 रखे हैं, बट सबका वॉल्यूम अलग रहेगा। 1 ग्राम का मतलब हर चीज़ का, अगर कोई भी चीज़ है, जैसे पानी 1 ग्राम है, इसका वॉल्यूम अलग रहेगा। एल्यूमिनियम है उसका 1 ग्राम, उसका वॉल्यूम अलग रहेगा। आयरन है मतलब लोहा है, उसका 1 ग्राम का, उसका भी आयतन मतलब वॉल्यूम अलग रहेगा, आयतन अलग रहेगा। अभी सिंपल सा एक एग्जांपल बता देता मैं आपको। अगर आपने क्या किया, एक आधे डब्बे में लोहा भर दिया, 1 kg लोहा भर दिया, 1 kg लोहा भर दिया, और आपने क्या किया कि प्लास्टिक 1 kg भर दिया, तो आप देखेंगे तो प्लास्टिक भरने के लिए आपको ज़्यादा जगह लगेंगी, वही उसका हो गया वॉल्यूम। वही लोहा भरने के लिए थोड़ी कम जगह लगती है, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया, ये आयरन का वॉल्यूम हो गया छोटा, और ये बड़ा हो गया, ये दोनों भी 1 kg है, दोनों भी कितना है 1 kg है, तो ये रहेगा हमारे प्लास्टिक का या तो जो भी हल्की चीज़ है उसका, तो उसके हिसाब से क्या होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या कि पर्टिकुलर इतनी जगह में, मतलब इतने मास के लिए कितनी जगह में रह पाएंगा वो, उसको कहते हैं वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी, मतलब कितना वॉल्यूम रहेगा इतनी इसमें, मतलब ऐसे बोलेंगे कि कितने लोग रह सकते हैं पर्टिकुलर एक थोड़ी सी जगह में, उसको कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व कितना है, जैसे हमारे पॉपुलेशन का घनत्व डेंसिटी कहते हैं ना, इतने एरिया में इतने लोग रहते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि मैटर कंटेन इन ए बॉडी उसको क्या कहते हैं, कि पदार्थ की जो मात्रा होती है एक आधे वस्तु की, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मास उसका, ठीक है। अभी हम बताने की कोशिश किए, तो इसको मास बोलते हैं, ध्यान में रखना है। तो ये पहले का आंसर है मास, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है वॉट इज द फोर्स विथ विच बॉडी अट्रैक्ट बाय द अर्थ टूवर्ड्स द सेंटर। आपको सभी को पता है कि ये हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, और हमें हम कुछ भी, मतलब पूरे लोग पता है ये आके गोल गोल रहते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर गोल गोल रहते हैं, बट कोई ऐसे नहीं कि नीचे तो ये गिर जाएगा, नीचे नीचे नहीं गिरता। क्यों? तो हमारे अर्थ के बीचों बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, तो वो क्या करता है, सबको अपने तरफ खींचे रखता है, अपने तरफ क्या करता है, खींचे रखता है। क्योंकि आप कोई चीज़ भी अगर ऊपर फेंकते हो तो वापस वो और अर्थ पे आके गिर जाती है। क्यों? तो ये सेंटर क्या करता है, हमें खींचता है, उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वही पूछा है कि ये क्वेश्चन अब हिंदी में देखो, कौन सा बल है, बल कौन सा है पूछा है, जिसके कारण वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे पृथ्वी के केंद्र की तरफ क्यों खींचते, उसे कौन सा बल कहते हैं, तो मतलब उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम भार, वेट कहते हैं उसको। मतलब हमारा ऑप्शन बी है वेट। सभी को पता है ये मास अलग है और वेट अलग है। आपको बताऊंगा, अर्थ पे हमारा वेट अलग होता है, और आप मून पे जाएंगे, मतलब चांद पे चले जाएंगे किसी दिन समझो, तो आपका वहाँ पे वेट क्या होता है, अलग होता है। लेकिन जो आपका मास पृथ्वी पे होगा वही मास आपका चांद पे भी रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास को मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, तब हमारा जाके क्या होता है, वेट हो जाता है पृथ्वी के ऊपर। यही चांद के ऊपर अलग रहेंगी वैल्यू, ये पृथ्वी के लिए, हमारे अर्थ के लिए।
तो वही पूछा है कि तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट का, वेट या तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त है ना, मतलब हमारा वेट और ये मास दोनों को क्या करेंगे, हम कंबाइन कर देंगे। मतलब दोनों वेट बोलेंगे तभी भी वही कंसिडर करेंगे, मास बोलेंगे तभी भी हम वही कंसिडर करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल के वक्त। ध्यान में रखना, ये थ्योरी चल रहा है। तो अभी देखिए, तो वेट मतलब ये हमारा क्या होता है, भार होता है। तो उसका फार्मूला है यम इंटू जी। जी मतलब वही ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी जो बोले ना जी 9.8 वाला। देखो 1 kg वेट मतलब होता है हमारा 9.8 न्यूटन, या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं उसको। तो इसका फार्मूला है यम इंटू जी। तो ये पूरा चैप्टर का खेल फार्मूला पे रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये बॉडी का मास है और इसको अगर खींचती है पृथ्वी, तो ये उसको कहेंगे हम वेट कहेंगे, ठीक है ना। ये इसका ऑप्शन रहेगा बी 65 का। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी ध्यान रखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यम बाय वी। यम मतलब क्या होता है हमारा द्रव्यमान, ठीक है, और वी मतलब क्या होता है हमारा परिमाण मतलब वॉल्यूम। ये हो गया मास और ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं घनत्व, ठीक है। घनत्व मतलब क्या होता है हमारा डेंसिटी। तो ये जो जो डेफिनेशन लिखी है ना, मतलब ये क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये काय की डेफिनेशन है, ये है डेंसिटी की, घनत्व की। आप हिंदी में भी पढ़ लेना है, यहाँ पे पिछला वाला इमेज लगा दिए, तो आप थोड़ा सा देख के और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ही क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यम बाय वी होता है हमारा घनत्व होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो क्वेश्चन का क्या कहना है, रेशियो मतलब वही डिवाइड डिवाइड बाय में लिखते हैं ना, उसको रेशियो कहते हैं। तो पूछा है कि पदार्थ जो होता है, वो पदार्थ एक घन पदार्थ है, ये डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। घनत्व मतलब क्या होता है पता है आपको, घनत्व मतलब क्या होता है डेंसिटी। पानी का घनत्व, घनत्व कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। आपको बताऊंगा कि पानी का घनत्व 4 डिग्री पे 1 होता है, और जैसे ही डिग्री हमारा टेम्परेचर और कम जाएगा, मतलब 4 डिग्री से भी कम जाएगा, तो उसके घनत्व में क्या होता है, चेंज आता है। तो आपको बताऊंगा, फ्रिज में अगर आप पानी की बॉटल रख देंगे पूरा ढक्कन टाइट करके, तो आपकी क्या होती है, बॉटल फट जाती है। 4 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके भी नीचे अगर टेम्परेचर चला गया, तो आपकी बॉटल फटने का चांस होता है। क्यों, तो उसका घनत्व क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसके कारण बॉटल फट जाती है अपनी। तो यहाँ पे पूछा है कि ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है विशिष्ट घनत्व, या तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं उसे। गुरुत्व कहेंगे तभी भी वही है, घनत्व कहेंगे तभी भी। सिर्फ ध्यान में रखना है, विशिष्ट वाला फार्मूला है अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस वाला। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। देखो ये एल्यूमिनियम की जगह है ना, ये इसमें से और भी कुछ पूछ सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर हो गए, ये 5 है और 6 है और ये 7 है, ठीक है। तो अभी एल्यूमिनियम का पूछा, एल्यूमिनियम का 2.7 है, तो हमारा ये आंसर ए रहेगा। तभी भी ये भी आपको याद कर लेना है कि लीड के लिए कितना है कच्चा लोहा, स्टील के लिए कितना है पानी, पेट्रोल और ऑक्सीजन, ये सबके लिए देख लेना है कितना है। देखो पानी के लिए कितना रहेगा, पानी के लिए रहेगा हमारा 1 रहेगा, 1 कितना रहेगा डेंसिटी 1 रहेगा। देखो पेट्रोल का कितना है, कम है 0.81, इसलिए आपको पता है पानी के ऊपर अगर पेट्रोल, देखो पानी में कौन सी चीज़ें तैर सकती है, जिसका घनत्व 1 से अभी क्या रहेगा, कम रहेगा, वही ऊपर तैरती रहेंगी। जैसे पेट्रोल पता है आपको, तेल डाल दिए पानी में, तो तेल, ये पानी है, तो पानी के ऊपर क्या होता है हमारा तेल, क्यों, तो क्या होता है तेल का ये क्या होता है घनत्व कम होता है, 0.8 है, इसलिए ये पेट्रोल का, इसलिए ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ये, बाकी का आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 69 है। अभी यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें बुक और पेपर लेके, मतलब पेपर और पेन लेके हमें पढ़ाना है। तो हम चलते हैं पेपर और पेन की तरफ, और पूरे आगे के न्यूमेरिकल हम कागज और पेन पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूरे न्यूमेरिकल है, तो कुछ 1-2-3 फार्मूले है, तो आपको क्या करना है, फार्मूले याद कर लेना है, क्योंकि बिना फार्मूले हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। फार्मूले इंपॉर्टेंट है, फार्मूले अगर आप याद कर लेंगे, पूरे बच्चों वाले क्वेश्चन है, छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, जो हम 10th के पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये सब बिल्कुल सिंपल सिंपल और सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन भी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे मतलब समझाएंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में समझाएंगे आपको। यहाँ पे बोला है व्हाट इज, अब स्पेलिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देख लेना। व्हाट इज द मास, अभी देखो ध्यान दो, एक एक वर्ड बराबर सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी व्हाट इज द मास मतलब मास निकालना है, हम मास को यम से डिनोट कर देंगे, ठीक है। यम इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन मार्क, देखो ये बिल्कुल आराम से समझा देंगे हम। बोला है कि इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की डेंसिटी देखे, देखो डेंसिटी
ठीक है, तो डेंसिटी हम क्या करते हैं, रो सीडी नोट करते हैं। तो रो से डेंसिटी कितना देखिए हमें 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखा है। ठीक है, ये 7.6 हिंदी में भी देखेंगे। अभी बोला है एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम मतलब हम वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, वी इक्वस टू, हम फार्मूला भी देख चुके हैं इसका, वी इक्वस टू है 25, मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अभी हमें मास निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है। तो देखो क्वेश्चन हिंदी में भी वही है कि यदि किसी पिंड का घनत्व, घनत्व मतलब ही क्या होता है हमारा, ये रो होता है। ठीक है, घनत्व देखिए कितना है 7.6, और आयतन, आयतन मतलब क्या होता है वॉल्यूम, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि उसका द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान मतलब ये हमारा क्या होता है मास होता है। तो आपको पता है कि इसके पहले भी हम फार्मूला बताए, फार्मूला क्या था, रो इक्वस टू यम बाय वी। ठीक है, रो मतलब ये आपका क्या है, ये घनत्व है। ठीक है, यम मास हमारा निकालने का है, और वॉल्यूम हमें देखे, वॉल्यूम मतलब ही क्या होता है आयतन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सा पूरा न्यूमेरिकल होता है। तो इसका है ना, ये पूरा लिखने के बाद हम इसका PDF भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक में से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अभी देखिए नेक्स्ट, अभी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो रो का वैल्यू कितना है 7.6, जिसका वैल्यू देखिए वो पुट कर दो। तो रो का वैल्यू हो गया हमारा 7.6 इक्वस टू, मास हमें निकालना है पता नहीं है तो यम लिख देंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना देखिए हमें, वॉल्यूम है 25 देखिए। ठीक है, तो अभी मास निकालना है, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम 25 था, ये डिनोमीटर में मतलब नीचे में, तो इसको हमें क्या करना है इधर लेके जाना है। तो ये इधर जाएंगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर जाएंगे, तो मतलब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 7.6 मल्टीप्लाइड बाय 25, मतलब गुणाकार करना है अगर ये भागाकार में है तो, और भागाकार का गुणाकार होता है और गुणाकार का क्या होता है भागाकार होता है। ये इधर चला गया तो ये आ गया 25 इक्वस टू क्या हमारा यम, बस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन आपको जैसे आता है आप वैसे कर सकते हो। देखिए मैं इसका बिल्कुल सिंपल बच्चों जैसे करके दिखाता हूँ, ये हो गया 25 और ये हमारा 7.6। देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, कितना होता है 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है 6 5 30, ये हो गया 0 और ये हो गया हमारा 3, बैलेंस छोड़ दिए। ये 6 × 2 कितना होता है 12, 12 और 3 कितना होता है 15, तो ये लिख दिया हम 15। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू छोड़ देनी पड़ती है, यहाँ की वैल्यू छोड़ देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 कितना होता है तो 35 होता है, ये हो गया 5, ये 3 छोड़ दिए, ये हो गया 2 × 7 कितना होता है 14, 14 और 3 कितना होता है 17, तो ये लिख दिया हम 17, और इसका एडिशन कर देंगे, एडिशन कितना होता है 0, ये हो गया 10 का 0, यहाँ पे 1 रख दिए, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और उसके बाद ये हो गया 1900 इतना आ गया। तो बट हमें क्या करना है, पॉइंट देना है, तो ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो ये एक वैल्यू छोड़ के हम पॉइंट दे देंगे, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यम इक्वल टू आ जाएगा 190 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यम का आंसर है, तो यम वाला आंसर कहाँ पे अभी देखेंगे, तो देखो 190 ए पे, तो हमारा आंसर रहेगा ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। अभी यहाँ पे बोला है वॉट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, कितना है पूछा है, अगर एखादे डेंसिटी एखादे सॉलिड की देखे हमें, ठीक है, एखादे सॉलिड की क्या देखे हैं, डेंसिटी देखे है, डेंसिटी मैं यहाँ पे लिख देता, डेंसिटी देखे हमें कितना है 19.5 है। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बस वही पूछा है रो, तो देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्चुअली फार्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये जितना वैल्यू होगा उतना ही हमारा आंसर रहेगा, बट मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ कि रो इक्वल्स टू, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या है डेंसिटी है, और डिवाइडेड बाय हमारा है 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारे वाटर का डेंसिटी, वाटर डेंसिटी। ठीक है, कितना डिग्री पे, 4 डिग्री पे। तो आपको बताइए ये डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ जो भी हमारा सॉलिड देखे, सॉलिड का, ये सॉलिड का डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी कितना देखे हमें 19.5, मतलब 19.5 देखे डिवाइडेड बाय, और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है आपको पता है 1 होता है। तो हमारा ये जो रो है मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको क्या कहेंगे विशिष्ट गुरुत्व, कितना आ जाएगा रो इक्वस टू, इसको अभी 19.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 19.5 आएगा, मतलब हमारा आंसर कितना रहेगा 19.5 रहेगा। हमेशा जो क्वेश्चन में वैल्यू देखे वही आंसर रहेगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी। सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं या तो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी। देखो डेंसिटी यहाँ पे आर लिखा है, हम यहाँ पे ओ रो लिख देंगे। रो मतलब नौ जैसे होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी मतलब होता है हमारा रो, रो इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो भी है काय में निकालना है, देखो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम में निकालना है, ध्यान में रखना, काय में निकालना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम में निकालना है। तो पूरा वैल्यू भी हमें ग्राम में लेना है। देखिए आगे ऑफ आयरन क्यूब, एक आयरन का क्यूब है जिसका डेंसिटी निकालना है, जिसका वेट देखे, वेट मतलब डब्ल्यू देखे, हम इसको इसी को बोलेंगे मास, यम करके लिखेंगे। ये कितना है, 4.8 kg है। तो अभी ध्यान दो, मैं पहले बोला कि हमें ग्राम में निकालना है, तो हमें सब कुछ ग्राम में होना, ये केजी में है तो हमें क्या करना है, ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को पता है कि 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये सभी को पता है, तो क्या कर देंगे, ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 4.8 को क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो ये हो जाएगा हमारा ग्राम में चला जाएगा। मतलब कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के, देखो 3 0 है तो ये 0.3 3 बार इधर लेके जाना है, ठीक है। तो कितने जीरो आएंगे, 4800, मतलब यहाँ पे था 1 2 3 इधर लेके गए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इतना था, तो ये अभी केजी में था तो ये हो गया हमारा ग्राम में, ये ध्यान में रखना है, पहले इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, यम हो गया। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कितना देखे, वॉल्यूम देखे हमें वी इक्वल टू कितना है, 640 देखे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी देखिए रो निकालना है, यम और वी देखे, तो इसके पहले भी हम फार्मूला देख चुके हैं, क्या था फार्मूला इसका, रो इक्वल टू यम बाय वी था फार्मूला। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है, यम का वैल्यू कितना है 4800 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू देके 640, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये जीरो जीरो कट जाएगा। अभी आप अपने हिसाब से डिवीजन कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से चलेंगे, पहले दो दो से डिवाइड करते जाएंगे। देखो इसको दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा। इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 24, मतलब 240 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कितना होगा, 240 डिवाइडेड बाय में कितना है, 32, और से डिवाइड डिवाइड होता है इसका, तो और से डिवाइड होता है तो कितना करेंगे, देखो 8 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। देखो ये हो जाएगा 8 6 32, मतलब ये आ जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 3 24, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 30, मतलब हमारे पास कितना आ जाए आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ठीक है। अभी इसको डायरेक्ट डिवाइड करो, या तो और से दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 2 और यहाँ पे आता है 15। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा है, देखिए फाइनली बचा है हमारे पास 15 और डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, ये हो गया 7 7 2 14, तो ये 1 4 14 आ गए, ये माइनस कर दिया, यहाँ पे 1 बचेगा, ये डिवीजन नहीं होता तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये कितनी बार डिवाइड डिवाइड होता है, 10 5 बार होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 7.5 रहेगा हमारा आंसर। तो आपको ढूंढ लेना है कि 7.5 है क्या, तो ये रहा हमारा 7.5, तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर रहेगा हमारा डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए बोला है व्हाट इज द वॉल्यूम। देखो और से वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम पूछा है, पूरा एक ही फार्मूले पे ज्यादा ज्यादा खेले, वॉल्यूम पूछा है, वी इक्वल्स टू है क्वेश्चन मार्क ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का पूछा है, इन सेंटीमीटर क्यूब पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मास देखिए, मास कितना देखिए, मास मतलब यम देखिए, आपको 1 kg देखे, देखो 1 kg देखे, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है। और डेंसिटी कितना देखे, डेंसिटी इसको रो रो बोलेंगे, क्वेश्चन में आर बोला है तो हम रो की आदत है हमें, तो रो लिख देंगे। रो का वैल्यू कितना देखे, 13.6 है, ये 13.6, और ये पता है काय में देखे, ग्राम में देखे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। अभी मैं पहले बोला, इसके पहले भी क्वेश्चन में बोला था कि एक तो ग्राम में कर दो या तो केजी में कर दो, अभी दोनों सेम होना, तो यहाँ पे आंसर हमें ग्राम में मंगा था तो हमने क्या किया, ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। सेम उसी तरह अभी मास केजी में देखे और रो काय में देखे, ग्राम में देखे, तो हमें क्या करना है, एक तो इसको केजी में करो या तो इसको ग्राम में करो, तो ग्राम में करना बड़ा सिंपल होता है। तो आपको होता है 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है, ये होता है 1000 ग्राम होता है, कितना होता है 1000 ग्राम। तो हम पहले इसको क्या कर दिए, 1000 में कन्वर्ट कर दिए, मतलब दिक्कत नहीं होगी। देखो फार्मूला वही है, हर बार मैक्सिमम टाइम वही फार्मूला लगने वाला है। क्या था फार्मूला हमारा, रो इक्वल्स टू यम बाई वी, तो और यहाँ पे रो इक्वल्स टू यम बाई वी, तो जो वैल्यू देखे वो पुट कर दो। देखो रो का वैल्यू कितना है, 13.6 इक्वल्स टू यम का वैल्यू कितना है, 1000 है, 1000, और डिवाइडेड बाय कितना है, वॉल्यूम है जो निकालना है हमें, वी का वैल्यू निकालना है ना, तो ये इसको क्या करेंगे, ये डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर न्यूमरेटर में तो इधर जाएगा तो डिनोमेटर में, मतलब छेद में चला जाएगा, तो ये वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय ये 13.6 हो जाएगा,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका डिवीजन करना है। डिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम सिंपल करने की कोशिश करते हैं। देखो ये दोनों का है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर 1000 था तो 1000 का कितना हो जाएगा 10000, और 13.6 था तो यहाँ पे हो जाएगा 136 हो जाएगा, मतलब 136 हो जाएगा। अभी क्या करना है, इसका डिवीजन करना है। अभी डिवीजन करने के लिए मतलब बहुत सारे तरीके हैं, हम सिंपल, आपको जो भी सिंपल लगता है उसे कर सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब सिंपल होने, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 68 आता है, मतलब 68 आता है, ठीक है। और ये 10000 को अभी कर देंगे हम 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5000 आ जाएगा, ये 5000 आ गया। अभी और से देखेंगे तो ये इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 34 होता है। इसको और से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाता है 2500, ठीक है। इसको और से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 17, और इसको और से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 1250, ठीक है। ये हम क्या किए, 2 2 से डिवाइड करते, क्या क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास बचा है 1250 डिवाइडेड बाय 17। तो अभी इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको आप आंसर मिल जाएगा, बट आंसर निकालते हो ध्यान रखना ये पूरा मतलब नियर बाय बिल्कुल सेम सेम ही है, मतलब 73 पॉइंट समथिंग है। तो ऐसे नहीं होता तो हम आंसर फास्ट निकाल सकते थे, अभी पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो देखो 1250 और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 17 से डिवाइड करना है। तो देखो तरीका आपको जो भी आता है, तो क्या होता है, देखो ये 1200, तो ये 12 में तो भाग नहीं जाता, तो ज़्यादा में भाग देंगे तो आपको पारा याद होना यहाँ पे, ठीक है। 17 7 कितना होता है, 119 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 6 बचेगा, 6 बचेगा, ये 0 नीचे उतार देंगे। तो 17 का और 6 में कितनी बार डिवीज़न होता है, 3 बार होता है, 17 3 कितना होता है, 51 होता है। इसको और से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9, बतपटा है 17 का अभी 9 में डिवीज़न नहीं होता है, तो यहाँ पे दे देंगे पॉइंट। देखो 73 तक आ गए हम, अभी एक ही पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे दे देंगे 0। तो कितना होता है फिर, 17 का कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, 17 5 कितना होता है, 90। यहाँ मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस कितना आता है, 85 आता है, मतलब 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 85। तो यहाँ पे बचेंगे 5, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देख लो कि 73.5, 73.5 आपका आंसर है क्या, तो देखेंगे तो ये 73 पॉइंट, पूरे 73 है बट 5 वाला एक ही है, तो एक ही है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमारा आंसर रहेगा ए, कितना रहेगा आंसर, 73.5, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मास इन ग्राम, ठीक है। अभी मास निकालना है, तो मास मतलब क्या होता है, यम इक्वल्स टू, हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे जो निकालना है वो। उसके बाद इफ ए फोर्स ऑफ 15, यहाँ पे डायन है, स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। डायन मतलब ये फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स देखे आपको, फोर्स देखे 15 डायन दिया है, कितना देखा है, 15 डायन। तो डायन मतलब ये फिल्म वाली नहीं है, हॉरर वाली डायन नहीं है, ये हमारे फिजिक्स की डायन है, ठीक है ना। तो ये 15 15 डायन नहीं, तो डर जाएंगे आप, डरने की जरूरत नहीं है, ये डायन मैथ वाली डायन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यह फोर्स देखे आपको 15 देखे, 15 डायन। उसके बाद बोला है एक्टिंग ऑन ए मास यम प्रोड्यूसिंग एन एक्सलरेशन, देखो अभी एक्सलरेशन मतलब ए होता है, ए इक्वल्स टू होता है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेयर। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन आपको और से दिखेगा इसके बाद वाले मॉड्यूल में भी, ठीक है, एक्सेलरेशन वाला। तो देखो बल, बल दिया है, कितना दिया है, 15 दिया है, और उसका त्वरण दिया है, त्वरण मतलब वही त्वरण से गति, एक्सेलरेशन देखिए 2.5, ठीक है। आप क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ लीजिए, तो आपको मेन क्या होता है कि निकालना क्या है, ये अगर समझ में आ गया तो बड़ा सिंपल होता है। तो निकालना क्या है, पता चल गया हमें मास निकालना है, यम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दे दिए, फोर्स का वैल्यू था वो भी देखे, एक्सेलरेशन भी देखे, बस आपको फार्मूला पता होना कि फोर्स का फार्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू, जैसे इसके पहले भी हम क्या किए कि मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी कर दिए थे हम वेट के लिए, तो अभी इसकी जगह क्या आ जाएगा, अभी एक्सेलरेशन ए आ जाएगा आपका, मतलब मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करते हैं, देखो फोर्स कितना देखे आपको, 15 देखे, तो ये 15 लिख देंगे इक्वल्स टू, यम का वैल्यू पता नहीं निकालना है, लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है 2.5, तो ये मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या है, यम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कुछ नहीं करना, ये 15 डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे, आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो यम इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 6, कितना जाएगा, क्यों तो पता है, 25 को अगर मतलब 2.5 6 बार डिवाइड हो सकता है, ये 15 पता है ना, 2.5 2.5 2.5 6 बार करेंगे तो आपको 15 मिलेगा, तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो हमारा आंसर 6 कितना है, डीप है, तो हमारा आंसर रहेगा डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74,
ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब हमें रो निकालना है, रो इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है शायद। उसके बाद बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल इफ पीस ऑफ मेटल वेट 150। देखो अभी मेटल का वेट देखे, मेटल वेट, वेट मतलब WT लिखेंगे, कितना देखे हैं 150 देखे हैं, 150 ग्राम इन एयर मतलब हवा में। अभी देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एयर में है 150 ग्राम, ठीक है, एंड 125 ग्राम इन वाटर, मतलब उसी मेटल का वेट, मेटल का वेट कितना देखे है, मेटल का वेट वाटर में, अभी वाटर मतलब पानी में कितना है, 125 ग्राम है, ठीक है। अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बोला है कि एक डब्बे में समझो पानी है, इतना पानी भर के, और एक मेटल है जो भी मतलब पदार्थ है, उसको क्या किए, आधा पानी के अंदर है और आधा पानी के बाहर है। जो पानी के बाहर है उसका वेट देखे 150 ग्राम है, ठीक है, और जो पानी के अंदर है उसका वेट कितना है, 125 ग्राम है। और आप सभी को बताऊंगा कि कोई आप ग्लास लेंगे या तो जग लेंगे, जो भी पानी में डुबाएंगे तो आपको उसका वजन बिल्कुल हल्का महसूस होता है, क्यों, तो पानी में कितना वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही बाहर निकालेंगे उसको तो आपको क्या होता है, वजन ज़्यादा लगता है, तो ये बाहर के इसका वजन ज़्यादा होता है हमेशा, तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन वही है। तो क्या, तो उस टाइम पे आपको क्या निकालना है, ये डेंसिटी निकालने को बोला है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने को बोला है। तो बस इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग है, रो इक्वल्स टू, अभी देखो फार्मूला ध्यान में रखना है आप लोग, आपको क्या करना है, वेट आपको एयर का लेना है, एयर मतलब हवा वाला, डिवाइडेड बाय वेट लेना है हवा वाला मतलब एयर वाला, माइनस उसमें से वेट माइनस कर देना है किसका, पानी वाला मतलब वाटर वाला, ठीक है। मतलब क्या होगा कि देखो जो मेटल का हवा में वेट है कितना है, हवा में वेट 150 है, डिवाइडेड बाय और से वेट लिखना है हवा वाला, कितना है हवा में वेट उसका, 150 है, माइनस कर देना है मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन कर देना है वेट इन वाटर, वाटर मतलब पानी में कितना था उसका, 125 था, 125 ग्राम था। तो ये फार्मूले में पुट कर दिया हम, हवा वाला वेट नीचे में और से हवा माइनस पानी वाला वेट, तो ये फार्मूला है ये निकालने का, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का, इस टाइप का क्वेश्चन आया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 150 में से 125 के कितने बचेंगे, 25, तो ये 25 को अभी 150 को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर कितना रहेगा, 6 रहेगा, तो 6 हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको नोट करके रखना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, देखो वॉल्यूम और से वॉल्यूम निकालना है, तो वी इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क जो निकालना है, ठीक है। तो ये आप हिंदी में पढ़ते जाओ, ठीक है ना, आयतन क्या रहेगा, आयतन मतलब ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अभी देखो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी का निकालना है वॉल्यूम, उसका मास देखे, मास कितना है, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो बड़ा सिंपल जाएगा, हिंदी से भी अच्छा इंग्लिश में समझ में आता है, ठीक है। मास कितना है मर्क्यूरी का, 136 ग्राम देखे, मतलब 136 ग्राम देखे, ठीक है। और डेंसिटी कितना देखा, यहाँ पे आर लिखा है, हम रो लिख देंगे, रो कितना है, मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है, 13.6, और ये काम लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वही फार्मूला गिवन लिख दो, फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला क्या है हमारा, रो इक्वस टू, ठीक है, रो इक्वस टू क्या है, हमेशा की तरह एम बाय वी, फार्मूले में कोई भी चेंज नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं होने को ना फार्मूले में, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देना है, पता है आपको रो का, अभी देखो रो का वैल्यू कितना है, रो का वैल्यू है 13.6 इक्वल्स टू मास का वैल्यू कितना है, 136, और ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हमें निकालना है तो वी निकालना है, तो ये वी को इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो वी को अगर इधर लेके, क्या था, वी इक्वल्स टू 136 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 13.6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने के लिए देखो सिंपल तरीका मैं बता देता, आप कैसे भी कर सकते जैसे आपको जमता है वैसे, तो इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखो 136 और ये 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय, नीचे भी 13.6 को 10 के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1360 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 136। तो अभी इसको डिवीजन कर देंगे तो 136 का 10 बार डिवीजन होता है, कितनी बार डिवीजन होता है, 10 बार, तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 10 रहेगा, मतलब हमारा आंसर है डी, ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 76, क्वेश्चन नंबर 76। तो देखो अभी क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द ब्लॉक वेट, अभी देखो वेट मतलब W, ठीक है, W निकालना है हमें, W मतलब भी हम हर बार क्या करते हैं, मास कर देते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है। इन केजी निकालना है, काय में निकालना है, केजी में निकालना है। वॉल्यूम देखे मतलब V देखे हमें, V कितना है, 320 सेंटीमीटर क्यूब
क्यूब में देखे 320, और डेंसिटी देखे, डेंसिटी मतलब हर बार की तरह रो देखे हमें कितना है 8.9, और ये ध्यान में रखना कि ये ग्राम में देखे, काय में देखे है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट निकालना काय में है केजी में निकालना है, तो ध्यान में रखना जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तब हमारा केजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिंपल तरीके से चलते जो हर बार चलते हैं, क्या है हमारा फार्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू एम बाई वी, ठीक है, फटाफट पुट कर देते। देखो रो का वैल्यू कितना है हमारे पास, रो का वैल्यू है 8.9 इक्वल्स टू, मास का वैल्यू पता नहीं निकालना है, डिवाइडेड बाय ये वी कितना है, मास कितना था हमारा पता नहीं था, क्वेश्चन मार्क था, लिख दिए वी कितना है हमारा 320, तो ये हो गया 320, ठीक है। तो अभी यम निकालना है, ये 320 इधर गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब 8.9 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 320 इक्वल्स टू यम। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको जो भी तरीका आता है उस तरीके से आप कर सकते हो, तो हम बच्चों वाली तरीके से करेंगे। तो देखो ये 320 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8.9 से, ठीक है, बच्चों वाले तरीके से चल रहे हम। अभी एक एक से मल्टीप्लाई करना, ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900, 9 दुनिया 18, 18 का 8 बचा एक, 9 दुनिया 27, 27 और एक 28, ये हो गया 28, एक वैल्यू छोड़ देंगे यहाँ का। अभी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800, 8 दुने 16, 16 का ये हो गया 6 बचा एक, 8 3 24, और ये कितना हो गया 25, ये हो गया 25। तो अभी कितना हो जाएगा, ये 0, ये 8, ये 14 का 4, यहाँ पे आया एक, 5 और एक 6, और ये 6 और 2 कितना होता है 8, और ये बचे 2। कितने पॉइंट बाद पॉइंट देना है, ये एक ही पॉइंट, एक ही वैल्यू के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट दे देना, मतलब कितना आया हमारा आंसर 2848, ठीक है, मतलब 2848 आया है। तो अभी क्या करना है, ये काय में आया हमारा, ग्राम में आया, हमें क्या चाहिए केजी, तो क्या कर देंगे इसी को हम, ये यम का वैल्यू है हमारा, ये काय का वैल्यू है, यम का वैल्यू है, तो यम को क्या कर देंगे 28 और ये 48 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 1000 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा। तो ये 1000 मतलब कितना जीरो है, 30 है, तो ये 30 के बाद अभी पॉइंट दे देना, देखो 3 के बाद, 1 2 3 के बाद पॉइंट देना है, तो हमारा ये डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ये सिंपल होता है। तो ये हो जाएगा 2.848 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा केजी में। तो ये हमारा आंसर रहेगा कितना 2.848, तो यहाँ पे 2.848 वाला आंसर है हमारा बी पे, तो हमारा आंसर रहेगा बी, ठीक है, अच्छे से देख लो। उसके बाद है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो और से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, मतलब रो इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद बोला है ऑफ द मेटल इफ द वेट 6.5 केजी है इन एयर। देखो ये इसके पहले भी क्वेश्चन जा चुका है, कि क्वेश्चन वही है, क्या बोला है कि एक पानी है, पानी भरा है समझो, एक डब्बे में कहीं भी पानी भरा है, एक मेटल को क्या किए थोड़ा सा पानी में डुबा दिए और थोड़ा सा बाहर हवा में, तो हवा में रहेगा तब उसका वेट देखे कितना है 6.5 केजी देखे, ठीक है, मतलब 6.5 ग्राम देखे, सॉरी किलो देखे, और वही मेटल क्या रहेगा जो पानी के अंदर है उसका वेट कितना है 3.5 केजी देखे, ठीक है। तो आपको रो निकालना है, पिछली बार भी क्वेश्चन बताया था, क्या था रो का फार्मूला, क्या था वेट इन एयर, ठीक है, जो भी मेटल है उसका हवा वाला वेट डिवाइडेड बाय और से वेट इन एयर, मतलब हवा में वेट माइनस वाटर में वेट, वाटर वेट, ठीक है, डब्ल्यू टी, बस यही फार्मूला है जो पिछली बार वाला था, वो लिखने में थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा बट वही फार्मूला है। देखो जो हवा में कितना वेट है, हवा में वेट है 6.5 डिवाइडेड बाय और से हवा में कितना है 6.5 माइनस पानी में कितना है उसका वेट, पानी में उसका भार देखे 3.5 किलो केजी, तो ये लिख दिए 3.5। तो देखिए 6.5 डिवाइडेड बाय ये 6.5 मतलब में से 3.5 गया, मतलब ये 6.5 में से 3.5 गया, तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 3। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनका डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने की तरीका अब ये बच्चों वाला ही कर देंगे, 6.5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये 6 में डिवाइड होता है कितनी बार होता है 2 बार होता है, ये 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाय, मतलब सॉरी 3 × 2 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 5 है, पॉइंट की जरूरत नहीं, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो अभी 2 वाला आंसर देखेंगे, तो 2 वाला आंसर एक ही है सी, तो बिना सॉल्व किए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं बता देता आगे कैसे हो सकता है, तो अगर पूरे 2 पॉइंट में रहे तो क्या करना है आपको, ये सी आंसर है अभी फिलहाल के लिए हमारा, फिलहाल मतलब फाइनली है। अभी देखो 5 बचा है, 5 में क्या होता है एक बार डिवीजन होता है इसका, मतलब 3 × 1 = 3 होता है, तो यहाँ पे बचता है 2, अभी 2 में डिवीजन नहीं जाता, तो यहाँ पे 0 दे देंगे, पॉइंट ऑलरेडी दे चुके हम, तो कितना हो जाएगा अभी 6 × 3 = 6 × 3 = 18 हो जाता होता है, ठीक है, 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे और से कितना बचेगा 2, मतलब और 0 लिख देंगे 2 बचेगा, तो ठीक है। तो ये हमें अभी ये चलता रहेगा, अभी 6 6 6 आता रहेगा, तो हमारा आंसर कितना है 2.16, तो ये 2.166 जो है ये आंसर है हमारा सी,
ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है शायद। उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। ये होने के बाद पूरा है ना इसका हम PDF डाल देंगे, आप लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मतलब आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, आप PDF से भी आप देख के आपकी बुक में आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस मॉड्यूल का। देखो क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ फोर्स। अभी ये वेट और फोर्स अभी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये वेग तो वेट होगा नहीं तो फोर्स होगा, दोनों में से एक। तो देखते हैं क्या है, तो आगे दोनों ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑफ ए कार मास देखे, पहले मास देखे तो लिख देते, देखो मास कितना देखे, मास देखे 800 kg, मतलब 800 ग्राम मास देखे, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ना ये वेट नहीं होगा, ये फोर्स ही होगा शायद, ठीक है। तो हम फोर्स लिख देंगे, फोर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बाद में लगा तो बदल देंगे। और यहाँ पे टेक बोला है कि जी इक्वल्स टू, मतलब जी पता है ना सेंटर ऑफ सेंटर मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, जो पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बताया था, उसका वैल्यू देखिए कितना है, 9.81। ये कांस्टेंट है, ये हमेशा इतना रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखे है, सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दो वैल्यू देखे हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फार्मूला इसके पहले भी हम बता चुके हैं, क्या है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, एम इंटू जी। इसके पहले हम एक्सेलरेशन लिखे थे यहाँ पे, अगर याद आ रहा होगा आपको, तो एक्सेलरेशन देखे रहा तो एक्सेलरेशन लिखना है, जी देखे तो जी लिखना है, अभी जी देखे तो हम जी लिख दिए। इक्वल्स टू सिंपल है, तो यम का वैल्यू कितना है 800 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 800 मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू कितना देखे, ये जी ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये 9.81 है, बड़ा सिंपल है। अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, अभी कैसे करना है आप कैसे भी कर सकते हो, मैं शॉर्टकट भी है बट मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल में बताऊंगा, अगर आपको शॉर्टकट आता है तो शॉर्टकट कर सकते हो। क्या करेंगे हम, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है अभी, तो एक एक करके अभी किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कर देते 800 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 981, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। अभी एक से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये एट वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एट, एक वैल्यू छोड़ देना है। एट से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, एट से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 कितना होता है 64 होता है, ठीक है। उसके बाद ये दो जीरो छोड़ देना है, नौ से मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 0 9 0 0, 9 8 × 9 कितना होता है 72। अभी ये इसका पूरा एडिशन कर देना, ये हो गया 0 0, ये हो गया यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ये 6 और 2 कितना होता है 8, ये हो गया 7। और कितने पॉइंट बाद जीरो देना है, ये दो पॉइंट बाद अगर जीरो दिए तो यहाँ पे आता है पॉइंट, तो हमारा आंसर हो जाता है 7 8 4 8, ये हमारा आंसर रहेगा फोर्स का। तो यहाँ पे आंसर देखिए 7 8, कौन से नंबर पे देखो 7 8 4 8, ये हमारा है ए पे, तो हमारा आंसर रहेगा ए। इस तरह से हमारा जो मॉडल था फोर, वो मॉडल फोर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, या तो यहाँ पे वीडियो पे नेक्स्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। थैंक यू, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।